राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी फिल्म। एक लड़की रहे और वो है जवान, तो उसके माँ बाप ने रहे उसकी शादी की चिंता और वो कर दे उसकी शादी। तो जिस घर में वो ब्याही जावे है उसमें भी जो है दो आदमी, उसकी माँ और वो बेटा, बस दो आदमी। तो थोड़े दिन तो सब ठीक ठाक रहे, लेकिन थोड़े से दिन बाद जो है बहू जो है अपनी सासू ने पसंद नहीं करती। वो लड़ाई झगड़े होने लग जाए रोज़, धीरे धीरे करके उनकी बात बढ़ती है। तो एक दिन वो लड़की के वह अपने पति थे भाई यहाँ तक चल छोड़ के, और हम कहीं किराए पर रहेंगे और मैं नहीं रह सकती भाई, आपकी मम्मी के साथ मैं नहीं रह सकती, कहीं दूर चलो, कहीं किराए पर रहेंगे। पर तो लड़का मना करे, अगर नहीं मैं नहीं जाऊँगा भाई, मेरी माँ किसके साथ रहेगी, मैं अपनी माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, तुमने जाना है तो तू जाए यहाँ। तो एक दिन जो है उनकी अच्छी लड़ाई हो जाए है, और वो लड़ाई के उसमें आके और वो लड़की घर छोड़ के और अपने बाप धोरे चली जाए। उसका बाप था एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और तो वो घर वो जाकर अपने बाप तक कह रहा है, पिताजी मेरी सासू तो बहुत टूट है, मेरे तो बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और कुछ ऐसी दवाई दो मेरी सासू मर जावे। अब तो सुन के तो एकदम उसके बाप के भी झटका लग गया, भाई बहुत बहुत इनकी तो बात बढ़ रही है, मतलब लड़की के मन में इतना जहर फैल गया, एक लड़की अपनी सासू ने मारना चाह रही है। तो उसका बाप ने रखना बिट्टी ऐसी दवाई तो मैं ना दूँ, अगर मैंने ऐसी दवाई दे दी और उसका मेडिकल हो गया और तो भाई मतलब पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट आ गई कि भाई इसका जहर देकर मार रखा है, मारी है या, और तो तू भी पकड़ी जाओगी, और जब तेरे बयान होंगे तू जो तने सच बोल दिया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मैं भी मारा गया और तू भी मारी गई। तो तू ऐसा कर, तू ऐसी दवाई मत ले जा भी जिस तक वो मरे और भाई हम पकड़े जावे, ले मैं तने जो है ऐसी दवाई दूंगा वो जो है धीरे धीरे तू उसने दी जाइए रोज़, और धीरे धीरे जो है करके वो 6 महीने में मर जाएगी। तो लड़की तो बहुत राजी हो गए, अब चलो ले कोई बात ना, 6 महीने तो भुगतनी है, और मैं धीरे धीरे मतलब लड़की की तरफ से तो वो पिताजी ने जहर दिया और तो वो खुश होकर चली जाए अपना, अब वो घर जावे अब अच्छी तरह रहे अपनी सासू के अल्लाह, खूब अच्छी तरह राजी राजी बोल बाल के अपने दोनों सासू बोल बाकी खूब पटे, अब वो उसने रोज़ दवाई दिए जावे, अगले 6 महीने में तो मरेगी। अब तो सासू ने सोचा भैया इब तक तो यो इतना लड़ाई झगड़ा रखे थी, अब इसमें एकदम ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया। तो धीरे धीरे करके उनमें प्यार बढ़ जा रहा है बहुत ज़्यादा, अब तो 6 महीने हो जाए मतलब प्यार उनमें इतना बढ़ जा रहा है, अक जो है वो दिखावे के चक्कर में अक वो लड़की जो है मतलब उसने मतलब दोनों सासू बहू की बहुत बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो सासू उस भूने लगा कि मेरी सासू तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसने खम में खा वो बुरी समझू थी, लड़ाई झगड़ा करूँ थी इसकी गलत, और सास ने ये लगा कि भाई बहू तो बहुत अच्छी है, देख मैं इसके बारे में क्या सोचू थी, अरे या तो कति बदल गई, क्योंकि उसने बदलना था, क्योंकि उसके पिताजी ने कही थी अक भाई तने अपने व्यवहार में चेंज लाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कदे तू ये भाई या मरे फिर हमने पुलिस पकड़े, तू अपने व्यवहार में चेंज ले और राजी राजी रहे अपने 6 महीने में। और तो मतलब इतना उनमें दोनों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए कि लड़की जो ये सोचे भाई 6 महीने होने वाले हैं कहीं ऐसा ना हो मेरी सासू मर जाए, और तो वो भाजी भाजी जाओ अपने पिताजी धोरे, पिताजी कुछ ऐसा करो कि मेरी सासू ना मरे, मेरी सासू तो मेरी माँ जैसी है और मैं नहीं चाहती कि वो मरे। और तो उसके पिताजी ने कहा अच्छा अब तो नहीं प्यार आ रहा अपनी सासू पर, तो उनका हाँ पिताजी मेरी सासू मरनी नहीं चाहिए। और तो उन्होंने कहा कि बेटी तू मैं तने बताऊँ, मैंने तेरे तक जो है जहर ना दिया था, मैंने तो तेरे तक हाजमे का चूरण दिया था, अब धीरे धीरे तू इसने दिए जाइए तेरे मन में भी शांति आ जाएगी और उसके मन में भी आ जाएगी, भाई तेरे व्यवहार परिवर्तन होगा तेरा, और तो भाई केवरा थारी आपस में दोनों की बढ़ जाए, तो मैंने तेरे तक जहर ना दिया था, मैंने तो तेरे तक हाजमे का चूरण दिया था, और चलो तू कह रही है तो ठीक है, वो जहर तो था ना, अब तेरी सासू तो मरे ना, तो वो बहुत खुश होगा, चलो भाई बच गई मैं तो, या तो यही 6 महीने हो जाते और मैं तो दुखी हो जाती या तो मरनी थी। लेकिन ये देखो दोस्तों ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन सब मतलब सीख बड़ी दे रही है, अब सब कुछ जैसे हम जिंदगी में हम ना चाहे सब कुछ आ जाओ, हम चाहे कितने बड़े बन जाओ, लेकिन हमें माँ बाप की सलाह की ज़रूरत, सास ससुर की सलाह की ज़रूरत, तो हमने जीवन में पढ़े है, हमें बड़े अपने हमें जो अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, उनकी भाई सलाह मानते रहें।
तो ये कहानी तो छोटी सी है, अगर हम इनका उनका कहना मान लेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी और हमारे जीवन में भी खुशियाँ आएगी। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।